आगे बढ़ते हैं। चूरू के सरदार शहर में हादसा, शिव मार्केट में बड़ा हादसा हुआ है। पुरानी हवेली के मुख्य रोड पर छज्जे गिरे हैं, बिजली और इंटरनेट की लाइन भी टूटी है, आवागमन ठप हुआ है। पुरानी हवेली में निर्माण कार्य चल रहा था और इसी निर्माण कार्य के दौरान ये छज्जे वहां से टूट कर गिरे। छज्जे जब गिरे तो बिजली और इंटरनेट की लाइनें भी टूटी है। तस्वीरें देखिए, एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। जिस तरह से निर्माण कार्य वहां पर जारी था और भरभरा करके जो छज्जे हैं वो नीचे जो रास्ता है उस पर आकर किस तरह से गिर गए। आवागमन वहां पर ठप होना लाजमी भी है, क्योंकि देखिए एक बार ये तस्वीरें जरा देखिए, बिल्कुल भी कोई छोटी सकरी गली है, गली के अंदर अगर निर्माण कार्य चल रहा है उसके बाद में दुकान और घर मकानों के छज्जे, पुरानी हवेली है, मुख्य रोड है, छज्जे इधर गिर गए, रास्ता आवागमन जो था आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया चूरू के सरदार शहर से, और उसके बाद में बिजली और इंटरनेट की लाइन्स भी टूट गई। तो कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी, उस पर भी अभी एक बार के लिए विराम। चूरू के सरदार शहर में हादसा, पुरानी हवेली में निर्माण कार्य चल रहा था और इसी निर्माण कार्य के दौरान जो छज्जे वहां पर ये लाइन से थे, जर्जर अवस्था में होंगे या फिर जो भी कारण थे, वो अब जांच का विषय आगे है। लेकिन तस्वीरें जरा देखिए, एक बड़ा हादसा हो सकता था, लोग वहां पर मौजूद तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। एक सकरी गली है ये पुरानी हवेली। अधिक जानकारी के साथ चूरू से संवाददाता संजय प्रजापत इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, तस्वीरें फिलहाल जो चल रही है, सरदार शहर में हादसा हुआ है निर्माण कार्य के दौरान, क्या ये पूरा हादसा और फिलहाल क्या स्थिति वहां पर? जी मैं आपको बता दूं, ये पुरानी हवेली है, इसके नीचे लगभग एक दर्जन से ज्यादा दुकानें बनी हुई है और ये काफी पतली और संकरी गली है। और सुबह 4 बजे यहाँ निर्माण कार्य कर रहा था, विशाल लंबा छज्जा था जो गली के अंदर गिर गया और आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो गया और गली के अंदर इंटरनेट, टेलीफोन और बिजली की लाइनें थी वो सारी लाइनें है ध्वस्त हो गई है। ये तो गनीमत रही कि सुबह 4 बजे हवेली का छज्जा गिरा, इसकी वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। अन्यथा इस गली के अंदर है वो सैकड़ों लोग के अंदर है, वो आवागमन रहता है और दुकानों के नीचे ग्राहक भी रहते हैं। हालांकि दुकानदार विरोध कर रहे हैं कि जो निर्माण कार्य किया जा रहा था वो सावधानी पूर्वक और सुरक्षा के साथ नहीं किया जा रहा था, इस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है और दुकानदारों को भी नुकसान हुआ है। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है और इस लापरवाही की वजह से कई लोगों की जान जा सकती थी। बिल्कुल संजय, बिजली और इंटरनेट की सेवाएं भी बाधित हुई है, जानकारी है कि उन पर जो छज्जे थे वो उनकी लाइन पर टूट कर गिर गए, क्या अभी सुचारू की गई है सेवाएं? जी मैं बता दूं, बिल्कुल बिजली की, इंटरनेट की और मतलब विभिन्न प्रकार की जो यहाँ पर लाइनें थी जिसमें टीवी केबल की लाइनें भी थी, वो सारी लाइनें ध्वस्त हो गई है। उनको इतने जल्दी ठीक किया जाना संभव नहीं है, इसमें समय लगेगा, 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। अभी तक गली के अंदर है वो मलबे से गली पूरी भरी पड़ी है, आवागमन भी बाधित है और जेसीबी लोडर लगाकर जो है मलबा हटाया जा रहा है, इसमें भी समय लगेगा। अभी तक जो लाइनें हैं वो मलबे के अंदर दबी हुई है, इसको ठीक करने में काफी समय लगेगा। बिल्कुल, चलिए संजय बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।